गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स टुडे हम स्टडी करेंगे टॉपिक्स फॉर ऑफ थर्मोलॉजी जो पढ़ने चाहिए फर्स्ट इज़ एम्ब्रियोलॉजी ऑफ लाइफ एक्चुअली जो बुक हमें फॉलो करनी चाहिए वो एक एक खुराना है बट वी ऑल्सो हैव पार्सन ऑफ़ वो भी फॉलो कर सकते हैं वी हैव एम्ब्रियोलॉजी ऑफ आई इससे एम सी क्यूज आते हैं बेसिकली विजुअल साइकिल मेरे प्रोफ में आया था सो यू कैन ऑल्सो स्टडी दैट इसमें रोड के आ, कैसे रोड टूटता है जब लाइट बनती है और कैसे वो रिफॉर्म होता है इसमें डार्क अटैबडेशन आता है फिर इस टर्म्स को नो ही है इट इज़ फॉर एस्ट एस्टिक आप ये वाइवा के लिए पढ़ सकते हैं वी ऑल्सो हैव रिड्यूस डज़ अ वेरी स्मॉल टॉपिक यू कैन रीड दैट एर ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें सारी चीज़ें आती हैं हाइपर मेट्रोपिया ए फेकिया सुडो माओपिया एस्टिक एन आईसो मेट्रोपिया एन आई एन एसओ कॉनिया ये सब आपको पता होना चाहिए विद दर इटोलॉजी एंड मैनेजमेंट देन वी हैव अकोमोडेशन मेकेनिज्म ऑफ अकोमोडेशन देन वी हैव अकोमोडेशन में भी हमें क्या पढ़ना होता है प्रेस बायोपिया इनसफिशियंसी ऑफ अकोमोडेशन पैरिस ऑफ ऑफ अकोमोडेशन पाजम ऑफ अकोमोडेशन फिर हमसे पूछा चाहते हैं कि टाइप्स ऑफ लेंसेज ठीक है कॉन्वेक्स कॉन्केव हो गए गैस पर्मिएबल हो गया रिजिट हो गया तो आपको ये सारे टाइप्स ऑफ लेंसेज बायवा के लिए पता होने चाहिए देन द सर्जरी फॉर रिफ्रैक्टिव एरोसिस केटमी हर तरीके की रेटोटोमी आपको पता होनी चाहिए देन वी हैव अनैटमी ऑफ कंजंक इट कम्स इन यू फाइव मार्क्स क्वेश्चन क्लासिफिकेशन ऑफ कंजेंट कंजंक्टाइव कंजंक्टिवाइटिस इट इज मिस गलत लिखा है कंजंक्टिवाइटिस क्लासीफिकेशन ऑफ कंजंक्टिवाइटिस लॉन्ग क्वेश्चन में आता है एक्यूट बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटस आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए देन यू शूड नो द डिफ्रेंस बिटवीन बैक्टीरियल वायरल एलर्जिक एंड क्लमाइडल कंजंक्टिवाइटिस अब हम पढ़ेंगे एंगुलर बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस ठीक है क्लमाइडल कंजंक्टिवाइटिस में एक समरी दे रखी है जिसमें पता रखे कि कौन से एजेंट कौन सा स्ट्रेंड क्लमाइडिया का कौन सा कंजंक्टिवाइटिस करा सकते हैं यू कैन रिमेबर दैट देन ट्रेकोमा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद फिस्टो क्लासिफिकेशन ओके देन वी हैव वायरल कंजंक्टिवाइटिस देन वी हैव वायरल में बी वी हैपैटिक कंजंक्टिवाइटिस ऑफ थेलमियाटोरम क्लमाइडल होता है वेरी इंपॉर्टेंट देन वी हैव वर्नल किराटो कन्जंक्टिवइटिस एटोपिक किराटो कंजंक्टिवाइटिस एंड फ्लैक्टेनोलर किराटो कंजंक्टिवाइटिस इवन मेरे प्रॉफ में एडीनो किराटो कंजंक्टिवाइटिस आया था आप चाहे तो वो भी याद कर सकते हैं देन वी है पिंकीकोला टेरिजियम देन टेरिजियम में भी हमें पता होना चाहिए वॉट इज डिफरेंस बिटवीन टेरिजियम एंड सूर टेरिजियम एंड आपको मैनेजमेंट ऑफ टेरिजियम बहुत अच्छे से आना चाहिए ठीक है टेरिजियम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट केस देन वी अनाटमी ऑफ कॉर्निया ठीक है ऑफ एटमेफ में आपको उसके लेयर्स पता होने चाहिए आपको ब्लड सप्लाई होने पता होना चाहिए फॉर वाइवा कॉर्नियल ट्रांसपेरेंसी कैसे मेंटेन होती है वाइवा एंड रिटन बहुत इंपॉर्टेंट है अल्सरेटिव कैराटाइटिस क्या होता है उसकी क्लासिफिकेशन और सब कुछ इंपॉर्टेंट है हाइपोपॉन कॉर्नियल अल्सर किस में दिखता है एंड मैनेजमेंट ऑफ केस ऑफ कॉर्नियल अल्सर माइकॉटिक कॉर्नियल्सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसमें वेजिटेटिव मैटर की हमेशा हिस्ट्री रहती है हर्पी सिम्प्लेक्स कैराटाइटिस एंड हर्पीज ऑस्टियर ऑफ थेलमिकस दोनों पर होने चाहिए और इन दोनों में डिफ्रेंस पता होना चाहिए ठीक है मूरॉन्स सल्सर इंपॉर्टेंट है और जो ये हर्पी सिंपलेक्स इसमें जो टाइप्स के टाइप्स ऑफ हैं बिफोर एंड आफ्टर फ्लो वो पता होना चाहिए क्या होता है पता होना चाहिए बैंको पैथितैटो चाहिए किराटो ग्लोबस पता होना चाहिए कॉर्नियल एडिमा के कॉजेस पता होने चाहिए जराजंक्टाइवा यह कंजेंटिटिस का एक टॉपिक है यह पता होना चाहिए इन्फेक्टिव कैराटाटिस ऑल्सो पार्ट ऑफ अक्टीरियल चाहिए प्रोटोजो

यूवियाटिस में तो इसमें हमें कंजेनाइटल एनआरआर एडिया वाइवा के लिए बता होना चाहिए परसिस्टेंट पीपिलरी मेम्ब्रेन वाइवा के लिए बताने चाहिए क्लासिफिकेशन ऑफ़ यूवि आइटिस इज इम्पॉर्टेंट ठीक है पैथोलॉजी ऑफ ग्रानोलोमैटस यूवियाटिस एंड टीरियर यूवियाटिस वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है फिर हमें डिफरेंस पता होने चाहिए वट आर द डिफ्रेंस बिटवीन अक्यूट कंजेंटिवाइटिस एक्यूट एक्यूट कंजेस्टिव और हमें क्या बताना चाहिए डिफरेंसेस बिटवीन ग्रानोलोमेटर्स एंड नॉन ग्रो ग्रानोलोमीटर्स यूवियाइटस मेरी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आया था हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन इन्फेक्टिव एंड नॉन इन्फेक्टिव यूवियाइटस तो आप वो भी पढ़ सकते हैं इंटरमीडिएट एंड पॉस्टियर यूवियाइटस सिर्फ रीड करना है बेसिट्स डिजीज़ पढ़नी है राइटर सिंड्रोम पढ़ना है साइटोमेगालो फाइटोमिगैलोरेटेनाइटिस पढ़ना है लेंस इंड्यूसड यूवियाइटिस पढ़ना है फेकोटॉक्सिक यूवियाटस पढ़ना है सिम्पथेटिक ऑफ थर्माइटिस पढ़ना है या आगे भी आएगा वो कोना यागी हराडा सिंड्रोम पढ़ना है एंड ऑफ थर्माइटिस एंड पैन ऑफ थर्माटिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट एंड की जो ऑपरेशन है इवेसरेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट मेलेगनेंट मेलोनम ऑफ कोराइट बहुत इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ वेरी कॉमन मेलेगनेंसी इन अडल्ट ट्रांसपेरेंसी ऑफ लेस की थियोरीज पढ़नी है कैटरैक्ट की क्लासिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर रिटर्न एंड वाइवा कंजेनाइटल डेवलपमेंटल कैटर मैनेजमेंट ऑफ कंजेनाइटल डेवलपमेंटल कैटर एक्वायर्ड कैटर एज रिलेटेड कैटर स्टेजेस ऑफ मेचोरेशन इन कैटरैक्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ कैटरक्ट मेटाबॉिक कैटर एक्ट कॉम्प्लिकेटेड कैटरैक्ट ड्रग इंड्यूस कैटरक्ट रेडिएशनल कैटर एक्ट मतलब कैटर एक्ट अगर जो पूरा लेंस वाला टॉपिक है पूरा का पूरा एज इट इज़ पढ़ना है ठीक है मेरी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आता है कि सर्जिकल टेक्निक्स से होती है आई सी सी ई सी सी ई आई सी एस आई सी एस तो इनके सारे स्टेप्स आपको आने चाहिए विद द कॉम्प्लिकेशंस एंड मैनेजमेंट इंट्राओकुलर लेंस ट्रांसप्लांटेशन पता आने चाहिए और जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेंस है वो सिर्फ आप रीड करेंगे तो भी चलेगा ग्लोगोमा इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पूरा पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है इसमें हम क्या पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन थियरीज ऑफ ग्लोकोमा ये कैसे होता है डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट देन वी हैव कंजेनाइटल और डेवलपमेंटल ग्लोकोमा प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा फील्ड डिफेक्शन ओपन एंगल ग्लोकोमा मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लोकोमा अब जो प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लोकोमा वो तीन तरीके का होता है प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लोकोमा सस्पेक्टेड प्राइमरी एंगल क्लोजर एंड प्राइमरी एंगल क्लोजर तो इन तीन तरीकों का ये याद करना है लेंस इंड्यूस ग्लोकोमा पता होना चाहिए फे ये तीन इंपॉर्टेंट है फेकोमॉर्फिक फेकोलेटिक एंड लेंस पार्टिकल ग्लोकोमा न्यो वैस्कुलर ग्लोकोमा पढ़ सकते हैं सूड एक्सफ्लोफोलिएटिव ग्लोकोमा भी पढ़ सकते हैं ग्लोकोमान ए फेकिया सूडोफेकिया पढ़ सकते हैं स्टेरॉइड इंड्यूस ग्लोकोमा ट्रोमैटिक ग्लोकोमा सिली ब्लॉक ग्लोकोमा ठीक है glaucoma, glaucoma, जो हमारा विट्रस है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है अगर पर आपको उससे पढ़ना है ये, तो आप इसमें से विट्रस डिटैचमेंट पढ़ लेंगे इनफ लेयर्स ऑफ रेटिना पता होना चाहिए दिस इज इंपॉर्टेंट रेटिना वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता चैप्टर एज सच और एटरैक्ट होता है बट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट रेटिनल आर्ट्री ऑफ्लूजन रेटिनल वेन ऑफक्लूजन हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी डायबिटिक रेटिनोपैथी रेटिनोपैथी ऑफ्टी मेजोरिटी रेटेनाटिस पिगमेंटोसा पेरीफोरल रेटिनल डिटैचमेंट सेंट्रल सरियस कोरियो रेटिनोपैथी सिस्टोइट मैकुलर रेडीमा एज रिलेटेड मैकुलर रेडीमा रेटेनल डिटैचमेंट एक्जोरेटिव और सॉलिड रेटेनल डिटैचमेंट मतलब इसकी जो ती, तीनों स्टेजेस है वो पड़नी है रेटिनोब्लास्टोमा विद द जीन्स ठीक है जो रेटिनो का जीन होता है थर्टीन क्यू फोटी ये आपको याद होना चाहिए so okay, Retina is not important, but it's a very big chapter. विजुअल पाथवे बताना चाहिए अब हम न्यूरोपथाल में आ गए तो लीजियंस बताना चाहिए पाथवेव बताना चाहिए प्यपलरी एंड लाइट रिफ्लेक्स का स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है देन यू कैन ऑल्सो रीड अबाउट मार्कस गन पीपल अर्गैल रॉबर्टसन पीपल पीपल्स तो और भी तरह के हैं अब वो भी पढ़ सकते हैं पर ये दो तो आना ही चाहिए ऑप्टिक न्यूराइटिस पढ़ना टॉक्सिक और न्यूट्रिशनल ऑप्टिक न्यूरोपैथी वेरी इंपॉर्टेंट एंटीरियर एंटीडियास्टेमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी आप चाहे तो पढ़ सकते हैं नहीं भी पढ़ सकते हैं पैपिलडीमा पढ़ना जरूरी है पैपिलिडीमा में वी हैव सूडो कैनेडी सिंड्रोम एंड फॉ सूडोफॉस्ट सॉरी फर्स्ट कैंडिडी सिंड्रोम एंड सूडो फॉस्ट कैंडिडी सिंड्रोम ऑप्टिक न्यूरोपैथी पर है नाइट ब्लाइंडनेस पढ़ सकते हैं कलर ब्लाइंडनेस पढ़ सकते हैं एमोरोसिस फ्यूगो एक्स आपके वाइव ब्रिटेन के लिए इंपॉर्टेंट है अब जब हम आते हैं स्क्विंट में स्क्विंट में क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए ओरिजिन एंड इंसर्शन ऑफ द ऑकुलर मसल्स विद दर एक्शन आपको पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ मसल्स क्या होती है वह योग मसल्स एंटागनस मसल्स हेरिंग्स लॉ पता होना चाहिए शेरिंगटन्स लॉ पता होने चाहिए कार्डिडल जो नाइन गेजेज होती है वो पता होनी चाहिए फिर बाइनोक्युलर सिंगल विजन क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन विद ग्रेडिंग पता होने चाहिए स्टेबेमेज बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेबेमेज में भी आपको डिफ्रेंशिएटिंग टेस्ट आने चाहिए जैसे मेडॉक्स रॉड टेस्ट आ गया यू शुड नो डिफरेंस बिटवीन कन्वर्जन एंड डाइवर्जन स्क्विंट हर्ष बग कॉनियल रिफ्लेक्स टेस्ट आना चाहिए वर्ड्स फोर डॉट टेस्ट आना चाहिए सैनैप्टो फोर आना चाहिए पैरालिटिक स्क्विंट आना चाहिए एंड डिफरेंस बिटवीन पैरालिटिक एंड नॉन पैरालिटिक स्क्विंट आना चाहिए फिर निस्टैगम्स भी इंपॉर्टेंट है फिर हम आते हैं आई लाइट वेरी इंपॉर्टेंट तो मतलब इसमें बहुत ईजी चीज़ है और ये पूछी जाती है दीज आर शॉर्ट केसेस ब्लैफ्राइट एक्सटर्नल हॉडियोलम इंटरनल हॉडियोलम चलेजियन कुछ लोग कालेजियन भी कहते हैं ट्रिकियास इंट्रोपियन एक्ट्रोपियन विथ सर्जरीज सिन बेफ्रॉ एंकैलोब्रेफ्रॉन ले, लेग ऑफ थर्लमोस टोसेस सेल कार्सिनोमा स्क्मामसल कार्सिनोमा सो so, जो प्लेफराइटिस एक्सटर्नल हॉर्डोलियम इंटरनल आर वेरी कॉमन ये तो पढ़ के ही जाने हैं ठीक है देन वी हैव योर लक्राइमल सिस्टम तो टीयर एफ की लेयर होती हैं तीन आपको पता होनी चाहिए ड्राई इंपॉर्टेंट है वॉटरिंग इंपॉर्टेंट है डेक्रायोसिस्टाइटिस इंपॉर्टेंट है इसमें भी डी सी आर एंड डी सी टी पता होना चाहिए उनका डिफरेंस पता होना चाहिए कंजेनाइटल डेक्रायोसिस्टाइटिस पता होना चाहिए एक्यूट एंड क्रॉनिक डेक्रायोसिस्टाइटिस विद द स्टेजिंग पता होना चाहिए डेक्रायोडाइटिस आप पढ़ सकते हैं नॉट इंपॉर्टेंट प्रोप्टोसिस पढ़ा होना चाहिए प्रोप्टोसिस दोनों ई एन टी अफ्था में आता है एंड ऑफ थर्माइटिस पता होना चाहिए प्री सेप्टल सेलुलाइटस पढ़ होना चाहिए और बाइटल सेलुलाइटिस इंट्रा और बाइटल एप्स पता होना चाहिए ठीक है डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट इफ्लेमेटरी प्रोप्टोसिस पता होना चाहिए उसमें आपको एक टेबल दे रखी है ग्रेव्स ऑफ थर्मोपैथी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बाइटल ब्लो ऑफ फ्रैक्चर्स पता होने चाहिए अब हम आगे आई में ऑक्युलर इंजरीज में तो एक्स्ट्रा ऑक्युलर फॉरन बॉडी क्या होती है और एक्स्ट्रा ऑकुलर फॉरन बॉडी में भी वी हैव समथिंग नोन एज क्लोज ग्लोब इंजरीज ओपन ग्लोब इंजरीज़ पता नहीं चाहिए इंट्राक्यूलर फॉरन बॉडीज़ पता नहीं चाहिए सरडरोज़ बलबाइन चालकोसिस आप पढ़ेंगे तो भी काफ़ी है सिम्पथेटिक ऑफ थेलमिया आपको पता होना चाहिए फॉर योर बायवा केमिकल इंजरीज पता होनी चाहिए अब आगे आती है ड्रग्स और तो ड्रग्स में एंटी एंटीग्लोकोमा ड्रग्स विद दर मेकैनिजम ऑफ एक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है फिर जीरो ऑफ में पता होना चाहिए थेरेपी पता होना चाहिए डायबिटीज़ मेलाइटिस में कैसे हमें हमारी आई अफेक्ट होती है पता होना चाहिए लास्ट चैप्टर में आते हैं कम्युनिटी में तो हमें पता होना चाहिए कि ब्लाइंडनेस एंड इनके काजेस क्या है विजन इन ट्वेंटी ट्वेंटी क्या है नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया क्या है ये तो आप पी एस ए में भी पढ़ेंगे एंड आई बैंकिंग क्या है ठीक है डिस्ट्रिक्ट के जो सोसाइटीज़ होती है ऑफ थालमिया के ऑफ थालमिया के वो पता होने चाहिए ये लिस्ट में मैंने ऐड नहीं किया है सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट लिस्ट ऑफ़ द टॉपिक्स जो मेरे सीनियर्स ने मुझे बताया था एंड आई एम फॉरवर्डिंग टू यू इफ़ यू हैव एनी सजेशन और कोई भी अगर मैंने टॉपिक बीच में छोड़ दिया यू कैन एड इन द कमेंट्स थैंक यू